हेलो फ्रेंड्स, आपका सिविल इंजीनियर्स 07 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट हाउस। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट के मकान बनाने में आपका कितना खर्च आएगा। मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल लिया 2 BHK, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उससे आप 1 BHK हो या 3 BHK का मकान हो उसके लिए भी आप आसानी से निकाल सकते होंगे। और मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप मकान का बिल्कुल सही आकलन कर सकें। और जो मैं वैल्यू बताऊंगा वो अभी प्रेजेंट टाइम में ली जाएगी, जो कि अभी चल रही मार्केट रेट, उस हिसाब से मैं बताऊंगा जो कि आपके कॉन्ट्रैक्टर आपको देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको शायद समझ में ना आए, और पूरी देखिएगा। फ्रेंड्स, आता हूं मैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहां पर मैं ये 3 क्लास मैंने लिए हुए हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि ये क्लास ए अच्छा होता है, क्लास बी अच्छा होता है या फिर क्लास सी बहुत बेकार होता है, ये नहीं है। यहाँ पे बस ये ग्रेड बताया गया है कि कैसे क्या काम होता है। यहाँ पे सिर्फ मटेरियल का झोल होता है थोड़ा सा, और लेकिन यहाँ पे जो RCC वर्क होगा वो बिल्कुल तीनों का सेम रहता है लगभग, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे झोल करता है, जैसे क्लास सी के लिए आप ले लिए एग्जांपल, तो वो कहाँ पे झोल करेगा, वो पैसा कहाँ बचाएगा, वो आपका इतना सस्ते में कैसे कर सकता। तो मैं आपको ये बताऊंगा, वो मटेरियल में करेगा, मटेरियल में वो थोड़ा ऊपर नीचे कर देगा, सस्ता मटेरियल यूज़ करेगा इससे कि वो आपको दे सके इतने में ही। और जैसे क्लास बी है, ये 1100 रुपये में, जबकि जनरली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं क्लास बी का काम, क्योंकि ये इसमें थोड़ा फिनिशिंग वर्क भी अच्छा होता है और सस्ता भी रहता है, बीच का रहता है। लेकिन आप इसमें भी करवा सकते हैं, ये ख़राब नहीं है क्लास सी। इसमें सिर्फ आप फिनिशिंग आपका अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन RCC वर्क एकदम सेम रहेगा, इसमें कोई मतलब डिफरेंशिएशन रहेगा ही नहीं। और जैसे क्लास ए है तो ये बंगलो वगैरह के लिए होते हैं, बहुत ही मतलब महल टाइप के जो मकान होते हैं या बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, वहाँ पर क्लास ए का वर्क किया जाता है। इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, 1450 से 1850 रुपये स्क्वायर फीट। ये जो वैल्यू मैंने तीनों बताई, ये प्रति स्क्वायर फीट, यानी एक स्क्वायर फीट की ये वैल्यू है 1450 रुपये या 1150 रुपये एक स्क्वायर फीट के लिए होगी, या 750 है तो एक स्क्वायर फीट के लिए होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 BHK का एक एग्जांपल लिया हुआ है जो कि 50x20 का है, जो कि 1000 स्क्वायर फीट के बराबर होगा। इसमें एक स्टोर रूम है, एक किचन है, 2 रूम्स हैं, ये बाथरूम है, ये गेट है यहाँ पर। तो इसका मैं बताऊंगा आपको कि इसमें 1000 स्क्वायर फीट के लिए कितना खर्च आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप थर्ड क्लास सी का काम करते हैं तो 750 रुपये के लिए, तो 1000 स्क्वायर फीट में कितना पैसा लगेगा, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, तो आ जाएगा 750,000 रुपये। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप सी क्लास का काम करते हैं तो 750,000 रुपये लगेगा आपका। और इसके बाद है क्लास बी के लिए, अगर आप 1100 रुपए से अगर काम करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका भी आपका आ जाएगा 1,100,000 रुपए 1000 स्क्वायर फीट के लिए, क्लास बी का रहेगा। और इसके बाद है हमारा क्लास ए में है, जो रेट हमारा है 1450 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो हमारा आ जाएगा 1450,000 रुपये। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट में 1450,000 रुपये हमारा लगेगा टोटल। यहाँ पे आपको मैं जनरल कन्वर्जन बताना चाहूँगा कि जो कि यहाँ पे मैंने यूज़ भी किया है थोड़ा बहुत, तो ये जो बताऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ भी होता है, जो कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ये सब बहुत यूज़ करते हैं इस कन्वर्जन को। तो एक गज स्क्वायर टू जो होता है 2.98 फुट होता है, यानी कि 2.98 फुट स्क्वायर टू होगा 1 गज। ये यूनिट का वजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 1 स्क्वायर गज। 1 स्क्वायर गज जो होता है 8.91 फुट के बराबर होता है, यानी कि 8.91 फुट स्क्वायर टू होगा 1 स्क्वायर गज के बराबर होगा। यूनिट का वजन से बहुत फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आता हूँ अब आपको क्लास बी का फुल स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, कैसे एस्टिमेट होगा पूरा, मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ कितना कितना आपका पैसा खर्च होगा। तो ये मैंने क्लास बी का एग्जांपल लिया है, जो कि 1100,000 रुपये यहाँ खर्च मैंने बताया था होगा आपका क्लास बी के लिए। तो यहाँ पर जो हम सीमेंट के ऊपर जो हम पैसा खर्च करेंगे वो 13%, जो कि 1000 स्क्वायर फीट में जो हमारा जो मकान बनेगा उसमें
13% खर्च होगा, 13%। तो इसका जो खर्च होगा हमारा 143,000 रुपये खर्च होगा 1,000 स्क्वायर फिट के मकान में। उसके बाद आता है ब्रिक। ब्रिक जो होता है कई क्वालिटी के होते हैं, तो आप अगर अच्छी क्वालिटी का ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, ब्रिक में भी होती हैं 3 क्वालिटी फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। लेकिन आपको यूज़ जो करना है ब्रिक, जो मकान आपको बनाने में यूज़ करना है, वो होना चाहिए एक क्लास का, फर्स्ट क्लास का ब्रिक होना चाहिए। तो उसकी जो हमारी कास्ट आएगी 12%, वो होगी 132,000, यानी कि 132,000 ये कास्ट आएगी ब्रिक की 12%। इसके बाद हमारी स्टील, स्टील तो हमें जनरली अच्छी स्टील यूज़ करनी है, और ये 10% इसका खर्च आएगा, और इसका जो आएगी टोटल वैल्यू खर्च की वो होगी 110,000 रुपये के बराबर होगी, यानी कि टोटल हमारा जो खर्च होगा स्टील के ऊपर 110,000 रुपये। फ्रेंड्स, स्टील के बाद हमारा जो है वो है सैंड। सैंड के ऊपर जो हम खर्च करेंगे 1,000 स्क्वायर फिट के लिए, वो है 5% खर्च होगा हमारा पैसा, अब वो होगा 55,000 रुपये, यानी कि 55,000 रुपये हमारा टोटल खर्च होगा सिर्फ सैंड के ऊपर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि सैंड में काफ़ी झोल हो जाता है पैसे का, वो क्या होता है कि आप जब सैंड जब आप मार्केट से ख़रीदते हो तो वो आपको गीली दे देते हैं, उसके अंदर मैं जानेंगे वाटर की मात्रा काफ़ी होती है, पानी का रेशियो काफ़ी होता है, तो आपको कोशिश यही करना है कि आपको सूखी बालू मिले और मिलावट ना हो, तो इससे आपका जो ये रेशियो ये बना रहेगा। उसके बाद एग्रीगेट, यानी कि बजरी या गिट्टी, तो उसके ऊपर जो है 2% आपका खर्च होगा टोटल पैसा, सिर्फ 2% खर्च होगा, और वो होगा 22,000 रुपये। 22,000 रुपये में आपका एग्रीगेट का काम हो जाएगा। तो ये बात हो गई मकान के आपके ढांचे की, बाहर के जो मतलब कि बाहर करने वो होता है पॉइंट, उसके लिए आपको सीमेंट, ब्रेक, स्टील, सैंड, एग्रीगेट, ये आपका पूरा मकान का ये खड़ा हो गया पूरा ढांचा, उसके ऊपर ये आपका कितना पैसा खर्च होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स डोर प्लस विंडो, और डोर प्लस विंडो पर हम 12% हमारा पैसा खर्च होगा, जो कि होगा 132,000 रुपये। अगर आप अच्छे क्वालिटी के डोर और विंडोज़ यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका टोटल खर्च होगा 132,000 रुपये, यानी कि टोटल खर्च का 12%। उसके बाद इलेक्ट्रिक वर्क के ऊपर इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो भी आपके आके काम करेंगे, उसका जो खर्च होगा 8% टोटल, तो 8% जो हमारा होगा वो 88,000 रुपये होगा, 88,000। इसके बाद है वाटर प्लस सीवेज, वाटर पे यानी कि प्लम्बर और प्लस सीवेज, जो कि आपका सीवेज से जो कनेक्शन वगैरह होगा, ये सब जो खर्च होगा वो होगा 10%, 10% यानी कि 110,000 रुपये आपका टोटल खर्च होगा सीवेज प्लस वाटर के ऊपर, और ये आपका एक्स्ट्रा जो खर्च होगा 3%, यानी कि 33,000 रुपये। इसमें आपका जैसे कि मजदूरों के लिए कुछ भी सामान ये वो कुछ भी आपका मंगाना पड़ गया एक्स्ट्रा, जो भी आता है वो एक्स्ट्रा खर्च में आपका जोड़ा जाएगा 3%, वो होगा 33,000 रुपये। उसके बाद सबसे बड़ी कॉस्ट जो आपकी है वो है लेबर। लेबर कॉस्ट अगर आपने मेंटेन कर ली तो आपका घर काफ़ी सस्ते में 1-2 लाख रुपये तक कभी वेरी कर सकते हैं। तो लेबर कॉस्ट आपको बहुत ध्यान देना होगा कि लेबर आपको सस्ते मिलें प्लस अच्छे मिलें, यानी कि वो काम जल्दी करें, ये नहीं कि आपका काम वो धीमा करेंगे तो उससे आपकी कास्ट बढ़ जाएगी और उनका पैसा तो आपको उतना ही देना रहेगा। तो आप अच्छे लेबर को आप हायर करें, जिन कॉन्ट्रैक्टर से आप लेबर हायर करेंगे वो अच्छे लेबर होने चाहिए। तो हमारा लेबर का जो खर्च है 25%, यानी कि 275,000 रुपये सबसे हाई अमाउंट है, ये आपको फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट, तो 275,000 रुपये हमारे लेबर पर खर्च होगा। फ्रेंड्स हमारी ये टोटल अमाउंट आ गया 11,00,000 रुपये, तो ये मैंने सभी को ऐड कर लिया, तो उससे मेरा ये 11,00,000 रुपये आ गया। इससे जो आपका मकान जो तैयार होगा उसकी जो मतलब कि फिनिशिंग वर्क प्लस जो इसकी आपकी स्ट्रेंथ की बात कर लें, मजबूती की, ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी रहेंगी, मतलब कि बहुत ही अच्छे मकान में आपके घर की गिनती होगी, उसको बहुत अच्छा मतलब मकान माना जाएगा। तो आप 11,00,000 रुपये में 1,000 स्क्वायर फिट में बहुत ही अच्छा आप मकान बना सकते हैं। लेकिन आपको ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है मकान का अपना जो कास्ट है अगर उसको आप मेंटेन करना है तो आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा कि मटेरियल जो हो वो आप ओन परचेस करें, यानी कि आप खुद परचेस कर लें, मटेरियल जो होगा आपका ओन परचेस होना चाहिए। और उसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो वो आपका अच्छा हो, यानी कि आपको सस्ते सस्ते रेट में मिल जाए, यानी कि 145 से 210 रुपये प्रति स्क्वायर फीट में आपका काम कर दे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो आपका हो वो काम आपका करवा दे 145 से 210 रुपये में। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ
कि आप कैसे कि क्लास ए और क्लास सी, यानी कि इन दोनों का मैंने आपको नहीं बताया, तो इन दोनों का जो आपको रेशियो निकालना होगा खर्च का, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो बस आपको सीधा एक फंडा है। क्या करना है आपको फ्रेंड्स, सीमेंट जो भी आपका टोटल अमाउंट खर्च आएगा, जैसे कि मेरा आया था क्लास ए के लिए आया था 14,50,000 रुपये 1,000 स्क्वायर फिट के लिए, तो बस उसका 13% हम निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्लास ए का हो जाएगा। इसी तरह हम क्लास बी का भी निकाल लेंगे और सभी वैल्यू को इसी तरह परसेंटेज के हिसाब से, जैसे 12% सीमेंट का है, वो नहीं 12% है ब्रिक का है, और सीमेंट का है 13%, स्टील का है 10% और सैंड का 5%। इसी तरह सभी चीज़ों का हम निकाल लेंगे तो हमारा टोटल जो खर्च अमाउंट होगा वो फ्रेंड्स आ जाएगा। अब हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।